दिल्ली में डेंगू का कहर, इस महीने सबसे ज्यादा सामने आए केस, जुलाई में बढ़ेंगे मामले। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद अब डेंगू की बीमारी ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में डेंगू के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में इस महीने के दौरान सामने आए डेंगू के नए मामलों के आंकड़े डराने लगे हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक जून महीने के दौरान ही दिल्ली में डेंगू के 23 नए मामले सामने आए हैं, जबकि महीना खत्म होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। एमसीडी ने डेंगू मलेरिया की साप्ताहिक रिपोर्ट पेश की, इसमें शनिवार तक के आंकड़े शामिल किए गए हैं। इन आंकड़ों ने दिल्ली के प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है। दिल्ली में मच्छर काटने से दर्जनों की होती है मौत। दिल्ली में मच्छरों के काटने से हर साल हजारों लोग बीमार होते हैं। पिछले साल 4,469 लोग डेंगू, 263 लोग मलेरिया और 48 लोग चिकनगुनिया की चपेट में आए। डेंगू की चपेट में आकर 9 लोगों की जान चली गई। इसके पहले 2021 में रिकॉर्ड तोड़ लोग मच्छर काटने से बीमार हुए। 9,613 लोगों को डेंगू, 167 लोगों को मलेरिया और 89 लोगों को चिकनगुनिया हुआ था और 23 लोगों ने डेंगू से जान गंवा दी थी। मच्छरों से बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। छतों पर कबाड़ इत्यादि न जमा होने दें। ऐसा सामान जिसमें बरसाती पानी जमा होता हो उसे साफ कर दें। घर के आसपास कहीं पानी जमा हो रहा हो तो उसे सफाई कर्मियों की सहायता से भी साफ करवा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।